नागपुर समेत विदर्भ में ठंड का कहर जारी है। शनिवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री दर्ज किया गया, जिस वजह से नागपुर विदर्भ में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने दो दिनों तक नागपुर समेत विदर्भ के कुछ जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। नागपुर के साथ विदर्भ में ठंड का कहर जारी है। रात के साथ ही दिन में भी ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालांकि अब धूप निकलने लगी है, लेकिन फिर भी तेज ठंड महसूस हो रही है। शुक्रवार को नागपुर का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री दर्ज किया गया था, जो कि शनिवार को तापमान 4-5 डिग्री लुढ़क कर 5.7 डिग्री दर्ज किया गया। इस हिसाब से विदर्भ में नागपुर सबसे ठंड रहा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर में बर्फबारी हो रही है, ऐसे में उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते तापमान का पारा एकदम नीचे गिर गया है। साथ ही पूर्व विदर्भ और छत्तीसगढ़ के ऊपर एंटी साइक्लोन बना है, जिससे तापमान में गिरावट हो रही है। आने वाले एक दो दिनों में भी मौसम विभाग ने नागपुर समेत चंद्रपुर, गोंदिया और वर्धा में शीतलहर की चेतावनी दी है। विदर्भ के जिलों में मौसम का हाल देखें तो शनिवार को गोंदिया का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं वर्धा का 8.2 डिग्री, चंद्रपुर का 10.4 डिग्री, अमरावती का 9.5 डिग्री, यवतमाल का 10 डिग्री, वाशिम का 10.6 डिग्री, गढ़चिरौली का 12 डिग्री, बुल्ढाना का 11.8 डिग्री और ब्रह्मपुरी का 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।